हमें साथियों ने बताया कि जब जब यहाँ से कोई शुभ कार्यक्रम की शुरुआत होती है सफलता मिलती है। हमारे नेतृत्व में ये पहला कार्यक्रम हुआ है। मैंने अपने साथियों से कहा यद्यपि हम बड़ी जगह पे कर सकते थे, किसी हॉल में किसी स्टेडियम में ये कार्यक्रम किया जा सकता था, लेकिन ये हमारे जो जगह है बड़ी पवित्र जगह है, पावन भूमि है, यहाँ से बहुजन समाज का मूवमेंट, ये महापुरुषों का कारवा यहाँ से मानवर का श्रीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने प्रारंभ किया था। यहाँ के लोग जो तमाम साथी यहाँ पर बड़े तादाद में हमारे लोग निवासरत हैं, वो लोग सोचते होंगे जब काशीराम साहब यहाँ पर छोटे से कमरे में छोटी सी कुर्सी पे बैठा करते थे और बहन जी आया करती थी, तो वो लोग कभी ये आसपास के लोग इस ध्यान करते हरध्यान सिंह रोड के रहने वाले लोग कभी नहीं सोचते थे कि ये बहुजन समाज पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बनेगी कि देश में सभी पार्टियों का विकल्प बन जाए। तो यहाँ हूँ दिल्ली में, नहीं सोचा था। आज ये कार्यक्रम के माध्यम से मैं उनको एहसास कराना चाहता हूँ, एहसास कराने आया हूँ कि ये बहुजन समाज पार्टी जो 34 साल पहले जो बनी थी वो पार्टी आज पूरे देश के लिए फल और छाया देने जा रहा है। पूरा देश जा चुका है तो करोड़बाग हरध्यान सिंह वाले रोड भी के रहने वाले लोग भी आप लोग अपनी नींद को जागो और नीला झंडा हाथ में देर में बात करूंगा, ठीक है साथियों, आपका कल्याण होगा। आप लोगों को मालूम है कि जब पिछले दिनों में बोलना चाहता हूँ बहन जी प्रधानमंत्री क्यों जरूरी है, मैं इसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब इस देश के प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बन के आए थे 2014 में, तो उस समय उन्होंने तमाम देश की जनता को वादा किया था। उन्होंने कहा था कि सबका साथ होगा सबका विकास होगा। इस देश में सबसे पहले आपने देखा होगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी एज ए प्रधानमंत्री बने नहीं थे, बहुमत के साथ जब संसद की तरफ गए तो वो पूरा दंडवत प्रणाम करने के लिए लेट गए। आपने देखा होगा वो फोटो। उन्होंने कहा कि कभी हमने सोचा नहीं था कि ये छोटा सा आदमी सा चार बेंच के बारे का बेटा यहाँ तक आ जाएगा और इस संसद को नमन और वंदन करता हूँ। इसलिए क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान के बदौलत मैं यहाँ तक आया हूँ और उन्होंने संविधान में ओथ लिया, लेकिन उस ओथ लेने के बाद कहते हैं ना कि या खाए बोराए जग या पाए बोराए। उनको चाय बेचने का अनुभव अच्छा था, 3 बार मुख्यमंत्री बने उसका भी उनको अनुभव था, वहां की जनता को पता है। उनको देश चलाने का अनुभव नहीं था। उन लोगों ने उस समय जनता में उनको प्रोजेक्ट किया, उन्होंने कहा कि देश का प्रधानमंत्री बनने के लायक है मोदी जी, क्योंकि ये गुजरात के 3 बार मुख्यमंत्री रहे। हम देश की जनता को बता रहे थे कि अभी ये पैमाना है, ये देश में बड़ी व्यवस्था है, इस देश में बड़ी बेईमानियां हैं। अगर इस देश की जब आजादी हुई थी उस समय भी ईमानदारी के साथ सत्ता का स्थान ग्रहण नहीं हुआ था। तो अंग्रेजों के जाने के बाद जब इस देश में पहली सरकार बनी, आज लोग योग्यता की बात करते हैं, यदि उस समय ईमानदारी के साथ इस आजाद भारत का पहला प्रधानमंत्री बनता, योग्यता यदि मानक होती तो पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री नहीं बनते, बल्कि दलित का बेटा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जो दुनिया में सबसे ज्यादा विद्वत्ता रखते हैं, जिसने देश को संविधान दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर इस देश के पहले प्रधानमंत्री। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब 14वें इलेक्शन हुआ तो उस समय उन्होंने कहा कि इसलिए प्रधानमंत्री बनाना चाहता हूं नरेंद्र मोदी को, क्योंकि ये 3 बार का अनुभवशील व्यक्ति है। हम ये बताना चाहते हैं कि नरेंद्र भाई मोदी जी जिस स्टेट का प्रधान मुख्यमंत्री बने रहे, 3 बार मुख्यमंत्री बने, ऐसे तो स्टेट उत्तर प्रदेश में जिसके 4 स्टेट बन सकते हैं, ये जो छोटे छोटे स्टेट का मुख्यमंत्री रहकर के देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, तो देश का सबसे बड़ा जो स्टेट है उत्तर प्रदेश और उस स्टेट में गुजरात जैसे 4 स्टेट आज भी बन सकते हैं।
और उस स्टेट में बहन कुमारी मायावती जी चार चार बार मुख्यमंत्री रहे, प्रधानमंत्री के असली दावेदार बहन जी हो सकती, लेकिन लोगों ने नहीं माना, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा सैन्य काम करता है, एक बहुत बड़ा थिंक टैंक काम करता है, जो वो सीधी तो सीधी उल्टी गंगा बहाने की भी कला रखता है। और वो संविधान, इस देश के संविधान में कम विश्वास रखते हैं, और वो नागपुर से संविधान जो चलता है उसमें ज्यादा बिलीव करते हैं, इसलिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो साथियों, उन्होंने उस समय देश को मुगालते में रखा और लोगों को बेवकूफ बना दिया, ढेर सारे वादे कर दिए और लोगों से कहा, वो सारे लोग मिलकर बोलते थे कि देश में आरक्षण की व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दी है, इस आरक्षण की व्यवस्था से कोई भी छेड़छाड़ी नहीं होगी, कोई भी इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं कि उस आरक्षण की व्यवस्था में छेड़खानी की गई, आरक्षण में जो प्रमोशन का रिजर्वेशन का मामला था, पूरे देश में जनता डिमांड कर रही थी, बहन कुमारी मायावती जी ने कानून बना दिया था, लेकिन उसको बहन कुमारी मायावती जी ने यूपीए की गवर्नमेंट में राज्यसभा में पास भी करा दिया था, और यूपीए गवर्नमेंट भी कहती थी कि हम लोकसभा में जल्दी पारित करा देंगे, लेकिन 10 साल तक हमारा समर्थन इसी कांग्रेस ने लिया, और उसके बाद भी वो पार्लियामेंट में लोकसभा में पारित नहीं होने दिया। कांग्रेस कहती है हम तो बाबा साहब के समर्थक हैं, दलितों के हिमायती हैं, अल्पसंख्यकों के हिमायती हैं, ये दिखा दिया कि वो न दलितों के हिमायती है, न अकलियत के हिमायती है, न पिछड़ों के हिमायती है। साथियों, वो आज तक पेंडिंग पड़ा है, लेकिन उन्होंने अभी आपने देखा, जब अपने मन की बात होती है, जब अपने लिए कोई हित की बात होती है, तो एक रिजर्वेशन 10% का रिजर्वेशन जो सामान्य जाति के लिए किया, आनंद फानंद में पारित हो गया, अध्यादेश भी जारी हो गया और उसके लिए वो कानून भी बन गया। हमारी पार्टी ने, हमारी पार्टी की नेता ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बहुत पहले से इस बात को कहा था कि यदि हमारी सरकार भी आएगी तो हम जो आर्थिक रूप से कमजोर लोग हैं, हम उनको 10% रिजर्वेशन देने का काम करेंगे। तो उन्होंने किया है, हमारी पार्टी ने समर्थन भी किया है, क्योंकि हम पूरे देश में एक भावना, एक राज कायम करना चाहते हैं कि सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। चाहते तो लोग विरोध कर सकते थे, जब दलितों के आरक्षण की बात होती है पूरे देश में जाम लगते हैं, और दुनिया के हाय तो बचता था, पिछड़ों के मंडल कमीशन की बात आई थी, उस समय पूरे देश को आग के हवाले कर दिया था। मैं बताना चाहता हूँ ऐसे लोगों को कि हमारा ये बहुजन समाज इस देश के असली नागरिक है, मूल निवासी है, इस देश की संपत्ति से हमें प्यार है, हम कभी भी किसी का हित नहीं चाहते। बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में जिस दिन भी इस देश में सरकार बनेगी, और इस 19 में जब सरकार बनेगी, तो देश में किसी भी वर्ग का कोई भी व्यक्ति उसके साथ नाइंसाफी नहीं होगी। इसीलिए जब देश में, उत्तर प्रदेश के राज्य में जब सबसे पहले जब बहन जी की सरकार बनी, तो कोई भी वर्ग ऐसा नहीं था जिसको ये न महसूस होता हो कि सबकी सरकार है, सबके विकास है, सबके साथ लेकर बहन जी चली थी। तो साथियों, 10% का आरक्षण की बात आई तो वो पूरा हो गया, हमारा भी बहन जी ने समर्थन किया है। आज आप लोग देख रहे हैं कि पावर में क्या ताकत होती है, बहन जी क्या चीज है। एक समय ये था जब बहन जी का शुरुआत कर रही थी, संघर्ष का, स्ट्रगल का दौर था, तब वो लोग कहते थे कि मायावती पैदा हो गई परिवार में, लड़की पैदा हो गई, लेकिन आज पूरे देश में ये गर्व महसूस करता है, ये पूरा देश का बहुजन समाज गर्व महसूस करता है बहन कुमारी मायावती जी पर, और ये आह्वान करता है कि हे प्रभु, हे तथागत, यदि हमारे घर में अगर कोई लड़की पैदा हो तो मायावती जैसी लड़की पैदा हो। आज पूरे देश में ये बात। तो साथियों, आज वो समय आ गया है कि पूरे देश में चारों तरफ से बहन जी के लिए डिमांड हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि बहन जी है ऐसी नेता है जो इस देश को सही दिशा में चला पाएगी। भारतीय जनता पार्टी का सबसे, बहुत लोग सुन रहे होंगे मेरी बात को, उन लोगों ने कहा कि हमारा सबसे पहला संकल्प होगा कि हम वो जो जम्मू कश्मीर में आतंकवाद बहुत रहता है, वहां पर लाल चौक पर तिरंगा फहराएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, गौर से सुनिए।
तो वही भारतीय जनता पार्टी की जब मेजोरिटी की सरकार बनी तो वो वहां पर झंडा फहराने की बात करते हैं लाल चौक पे, और उसी की जो थिंक टैंक कहलाने वाला जनसंघ जो नागपुर से चलता है, सबको पता आजादी से आज तक उसके कैंप कार्यालय में, उसके मुख्यालय में आज तक तिरंगा नहीं फहराया गया, वो कैसे देशभक्त हो सकते हैं। बहन कुमारी मायावती जी की, क्योंकि उन्होंने पूरा भगवा आतंक फैला दिया है, पूरे देश को भाई से भाई को लड़ा दिया है, जो कर सकते सब कुछ कर दिया। इसलिए हमारी बहुजन समाज पार्टी की जब नेतृत्व में देश में सरकार बनेगी, बहन कुमारी मायावती जी की प्रधानमंत्री के रूप में ये देश की सरकार बनेगी, तो याद रखो अगर आप लोग मुसलमानों के लिए कह सकते हैं कि आप लोग वंदे मातरम कहना होगा या पाकिस्तान कहना होगा, तो इस देश के बहुजन समाज ये मूल निवासी लोग भी ये कहेंगे कि उस मुख्यालय पर भी यदि तिरंगा फहराना होगा तभी भारत में रहना होगा। आपको तिरंगा हमारा उस समय भी वहां पर होना चाहिए। तो साथियों, आप लोगों को पता है कि बहन कुमारी मायावती जी किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे सब जनता के लिए काम करने वाली नेता है। आज पूरे देश के तमाम विपक्षी लोगों ने भी, दूसरे दल के लोगों ने भी बहन कुमारी मायावती जी के साथ आना मुनासिब समझा है देश के खातिर। आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों में एक साल तकरीबन पहले या 6-7 महीने पहले इस देश में उत्तर प्रदेश के राज्य में 3 बाई इलेक्शन हुए, 3 बाई इलेक्शन हुए, वो हुआ गोरखपुर में और कैराना और फूलपुर, कैराना और एक जगह और थी नूरपुर, फूलपुर गोरखपुर और कैराना और नूरपुर, 3 विधानसभा, 2 लोकसभा और 1 विधानसभा थी। बहन कुमारी मायावती जी ने रणनीति बनाना शुरू किया। ये लोग कहते थे कि हमें 2019 की बात नहीं करनी है, 2019 के लिए हमें कोई संकट नहीं है, और सपना देख रहे थे 2024 का। वो बोलते थे पूरे देश में सारी मीडिया से एकदम से पूरा मैनेजमेंट करके, मार्केटिंग करके, और ये पूरे देश को बता देना चाहते थे कि हम इस देश में ऐसा तक ऐसा माहौल पैदा करेंगे कि 2019 में तो अपने आप जीतेंगे और 2024 में भी हमारा एक तरह से पट्टा लग जाएगा। बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि हम इसका मुकाम समय आने पर जवाब देंगे। तो जब समय आया बाई इलेक्शन का, तो बाई इलेक्शन में बहन जी ने रणनीति बनाई। उस समय हमारा किसी पार्टी के साथ कोई तालमेल अलायंस नहीं था, सिर्फ एक विचारधारा थी, एक एक्सपेरिमेंट था। तो उसमें जब बहन जी का थोड़ा सा इशारा हुआ, एक इशारा मात्र से जो 24 तक का ख्वाब देखने वाली भारतीय जनता पार्टी, जो 400 सीटें की जो मुंगेरी का सपना देखने वाली भारतीय जनता पार्टी तीनों स्थानों पर चारों कोने शिफ्ट हो गई। सबसे बड़ा जो हिंदूवादी मुख्यमंत्री बनता है योगी महाराज, जो बनता है बाबा, वो कहता था कि ये तो हमारे ऊपर तमाम, मेरे ख्याल से उनके गुरु पे गुरु तमाम जीतते आए हैं, ये तो हमारी परमानेंट सीट है, इसको कोई नहीं हिला सकता। लेकिन आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी के आशीर्वाद से जब कैंडिडेट मैदान में आया तो देखो उसने चारों कोनों जीत मुख्यमंत्री और उसकी सरकार को गोरखपुर में हरा दिया। उसके बाद भी 2 इलेक्शन हुए, उसमें भी हारे। ये तो एक छोटा सा टेलर था, ये बहुजन समाज का ऐतिहासिक छोटा सा टेलर था। अब पिक्चर अभी बाकी है। बहन कुमारी मायावती जी ने समाजवादी पार्टी के साथ ये पुराने तमाम गिरे शिकुओं को दूर करते हुए और फिर से जो एक नया एक अध्याय जोड़ दिया है, इसने तय कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके जो चाहने वाले लोग, आपके सपना अब साकार होने वाला नहीं है, ये मुंगेरी लाल का सपना टूटने वाला है। पूरे देश में हलचल मच गई है, बहुत बुरे हाल है। जिस दिन बहन कुमारी मायावती जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी जब अलायंस की अनाउंसमेंट कर रहे थे, मीडिया उधर भी थी और भारतीय जनता पार्टी का अधिवेशन दिल्ली रामलीला ग्राउंड में भी चल रहा था, हमारे सारे लोग टीवी उसमें देख रहे थे, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे थे कि जैसे वहां से टीवी का प्रेस न्यूज होती थी, एक बहन जी का स्टेटमेंट आया और उनके लोगों ने उसको प्लस कर दिया, तो वो तुरंत अमित शाह जी के उस पे आया
अमित शाह जी के बगल में बैठे थे, मोदी जी तुरंत उनको दिखाया और दोनों को चेहरे डाउन हो गए। इंग्लिश में कहावत है कि हैच डाउन टेल्स डाउन मेरी एज कैन बी। प्रसन्न तो दिखाई दे रहे थे लेकिन उनका चेहरा बड़ा ढीला था, उतरा हुआ था, उनका चेहरे का नूर उड़ चुका था। साथियों ये आप लोग शुरुआत हो गई है, पूरे देश में बहन जी की तरह पूरा देश देख रहा है। तो इसलिए साथियों मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, पावर मास्टर की है, इस पावर को लेना है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी यही इशारा किया था और इस इशारे को अंजाम देते देते पूरी जिंदगी चले गए। लेकिन आज आप लोग बड़े पैमाने पर बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में पूरे देश में इकट्ठे हो रहे हैं। अभी 3-4 राज्यों में 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे जो विधानसभा के, उसमें भी बेशक हमको मुनासिब जो हमको बहुमत नहीं मिला, जो हमारी अपेक्षा थी वो उतना रिजल्ट नहीं आया, लेकिन उसके बाद जितना भी आया वो वहां पर सरकार बनाने और बिगाड़ने के लिए मुफीद साबित हुआ। बहन कुमारी मायावती जी के बिना न कांग्रेस सरकार बना सकती थी न भाजपा सरकार बना सकती थी। ठीक है, सरकार बन गई और बहन जी ने कहा कि जब 2 अप्रैल को देश में एक जो रिजर्वेशन को लेकर के, जो SC ST एक्ट को लेकर के जो मूवमेंट के में लोगों ने हिस्सा लिया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने उनको तमाम धाराओं में निरुद्ध कर दिया, निर्दोष लोगों को जेलों में भेजने का काम किया था। और हमारे छोटे छोटे संगठन बार बार ये कह रहे थे, पंच मार रहे थे कि देखिए पूरे देश में तमाम लोग उस आंदोलन में उत्तर प्रदेश में और दूसरे राज्यों में जेल में चले गए, BSP कुछ नहीं कर रही। और छोट भैया नेता जो BSP से छोटा सा जो बना उसकी पहचान बनी, नीला झंडा उसने हाथ में थामा, बहन जी का गुणगान किया, बाबा साहब का नाम लिया और वो दिल्ली से ही नेता बन गया, यहाँ से नेता बन के, और वही जाके बोलने लगा कि भाई देखो BSP कुछ नहीं कर रही है, बहन जी कुछ नहीं कर रही है और हमारे लोग जेल में बंद हैं, वो लोग परेशान हैं, उनका परिवार जो मर चुके हैं, गोली भी कांड हुए थे उनके साथ कुछ नहीं कर रहा। तो साथियों हमने उस समय भी कहा था जब हम लोगों को लोग टेलीफोन करके मजबूर करते थे तो हम अपने साथियों से हम बोलते थे समय आने दीजिए, जैसे समय आएगा हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम जो अपने लोग हैं उनको बचाने का भी काम करेंगे। तो जब बहन जी के हाथ में थोड़ा सा ही सही जब पावर आया तो बहन जी ने उनको बोला कि यदि आप लोगों ने सरकार चलानी है मध्य प्रदेश में, सरकार चलानी है राजस्थान में, तो आपको जो भी हमारे निर्देश लोग, जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनके सारे पर जेलों में ठूंस दिया गया है और जो लोग मारे गए हैं उनके साथ न्याय करो, उनको जेल से सरकार मुक्त करो, उनके मुकदमे वापस, पूरे देश में चला गया, बहन जी के एक इशारे में हो गया। इसलिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ इस देश में कभी भी लोग नहीं चाहते, मुट्ठी भर लोग कभी ये नहीं चाहते कि इस देश में हमारा बहुजन समाज का भला हो। हमें कोई ऐतराज नहीं था, अगर आप लोग चला सकते इस देश को, सोने की चिड़िया बना सकते हैं बनाते, हमको जब लगा कि ये मूल निवासियों का देश है, 85% समाज हमारा बहुजन समाज है, तो जब इन लोगों का जो भी संपत्ति होती है नहीं छोड़ती, हमारा नुकसान 85% होता। तो हम लोगों ने कहा चलो भाई एक बार आपको मौका दिया, BJP कहती थी सबको देखा है, बार बार हमको देखो एक बार, ये उनका नारा था। तो साथियों हमने उनको, पूरे देश की जनता ने उनको मौका दे दिया, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने आज तक एक भी वादा पूरा नहीं किया और कहीं भी दलितों का कोई भला नहीं किया। इसलिए साथियों बहुजन समाज पार्टी के नेतृत्व में अब पूरे देश में फिर से बनने वाला है। वो लोग कहते हैं कि ये दलित लोग सरकार चलाने क्या जाने, जिन्होंने मेहनत किया है, मजदूरी किया है, जूते चप्पलों का काम किया है, पॉलिश पॉलिश करने का काम किया है, ये लोग क्या जाने सरकार चलाना। हम लोग बताना चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें मौका नहीं दिया, हमारे पास कभी नहीं है, जब से ये दुनिया बनी है तब से लेके आज तक ये महापुरुषों के जो फोटो देख रहे हैं ये हमारे समाज में ही पैदा हुए हैं। इनको यदि मौका मिलता देश चलाने का तो तुमने जो देश चलाया है तुम्हारे वंशजों ने उससे लाख गुना अच्छा हम चलाने की हिम्मत रखते हैं, योग्यता रखते हैं। इन लोगों ने कहा लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ये कुछ नहीं कर सकते, हमारे मुस्लिम भाई भी हमारी आवाज को सुन रहे होंगे। जब हमारी उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी, बहन कुमारी मायावती जी
प्रदेश की मुख्यमंत्री थी तो उस समय यूपीए की कांग्रेस पार्टी जो मुसलमानों की सबसे हिमायती बनती है तो उनके बारे में कुछ कहना चाहता हूँ कि जब यूपीए में यूपीए की सरकार थी, केंद्र में सरकार थी और उस समय बहन जी की सरकार उत्तर प्रदेश में थी, हाई कोर्ट का बाबरी मस्जिद को लेकर के डिसीजन आने वाला था। जब डिसीजन आने वाला था तो उस समय 2008 की बात थी, तो उस समय हम लोगों ने, बहन जी ने कहा कि पूरा देश आतंकित हो रहा, टेररिस्ट है, सबको आशंका है कि भाई फैसला पता नहीं क्या हो जाए और लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो देश के प्रधानमंत्री यूपीए की चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया जी और उनके प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी से कई बार बहन जी ने चिट्ठी लिखी, टेलीफोन से कहा कि हमारे उत्तर प्रदेश को हमें बचाना है, हमें अपने वहां की संपत्ति, लोगों की जनहानि को रोकना है, हाई कोर्ट का फैसला आने वाला है, हमको जो फोर्स चाहिए, हमें लॉ एंड ऑर्डर को बनाने के लिए फोर्स चाहिए। दूसरे दल के लोग नीचे पंच मार रहे थे कि अच्छा मौका है मायावती की सरकार को गिराने का, बर्खास्त करने का, ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि विरोधी चाह रहे थे क्योंकि जब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम हो गया हो जाएगा तो मायावती की सरकार को बर्खास्त कर देंगे। तो साथियों, जब हमको कोई फोर्स नहीं मिला, कोई पैरामिलिट्री नहीं मिला, किसी तरीके का फोर्स जब नहीं मिला, तो बहन कुमारी मायावती जी का कहना था कि हमारे उत्तर प्रदेश का जो फोर्स है, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सिविल पुलिस है, चाहे वो हमारी वहाँ एसटीएफ है, चाहे हमारी पीएसी पुलिस है, हम इसी पुलिस के बल पर लॉ एंड ऑर्डर को कायम करेंगे और मेरे रहते हुए वहां पर कोई परिंदा पर नहीं मारने देंगे। बहन जी ने करके दिखा दिया, हमारे पास उदाहरण है। लोग कहते हैं प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, इसलिए साथियों हमारी पार्टी ने दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक समाज के लिए पूरी तरह से उनको हमने विश्वास देने का काम किया है कि जब जब हमारी सरकार रही है, जब जब हमारी सरकार रही है तब तक हमारे रहते हुए पूरा देश, पूरा प्रदेश महफूज रहा है। इसलिए साथियों ये समय आ गया है, बहन कुमारी मायावती जी के हाथों में जो गठबंधन हुआ है पूरे देश में महागठबंधन बने और बहन जी के नेतृत्व में इस देश की बागडोर पहुंचे और 2019 में बहन जी लाल किले की प्राचीर से इस देश को संबोधित करें, ये हमारी शुभकामना है। आप सबकी तरफ से ये भावना रखते हुए मैं ये पुनः अपील करता हूँ कि दोनों हाथ उठा करके बहन कुमारी मायावती जी के लिए कि बहन जी आगे बढ़ो, बहन जी आगे बढ़ो।